क्वेश्चन बोलो। x की पावर 4 प्लस 3 x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 3 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, इसे डिवाइड करना इसको x माइनस x माइनस, है ना, ध्यान से देखो। और जो मैं साइड में वर्किंग करूँ ना वो भी उतारना, वो ही तो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा। x माइनस 1, x की पावर 4 चाहिए किससे मल्टीप्लाई करो, क्या 3 किससे, ऑलरेडी 3 x की पावर 3, ये कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब यहाँ पे कितनी पावर है, ये पहले इससे होगी तो x की पावर 4 और फिर इससे होगी तो माइनस एक्स क्यूब, ये सब में है कैसे आया बताओ, एक्स के बाद फोर आ गई, एक्स दो बजे उसको माइनस में से एक्स माइनस लिया, दोनों ये प्लस में है तो एक मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कैंसल। अब ये साइन तो भूल जाओ, अभी नीचे ये भी प्लस हो गया, और ये भी इसको इरेज करके डायरेक्ट इसके जगह साइन कर, नहीं इरेज नहीं करना है, तो शो करना पड़ेगा हमारा साइन चेंज, ठीक है, कितना है बेटा, कितना है नीचे 4x जाएगा, ये पहला तो क्या आ गया आपका यहाँ पर x की पावर क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, वापस x माइनस 1, मुझे क्या चाहिए 4x क्यूब चाहिए, इसके से मल्टीप्लाई करो, क्या 3 है, तो फिर 4 नहीं जाएगी, पहले 3 से क्या तभी तो 4 आया, कितना कर कितने से करोगे, पे एक तो 4 से करेंगे और ये भी तो चाहिए ना x क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से, ये 2 होगी तभी तो 3 होगी ना, तो क्या हो गया 4x क्यूब, ये भी माइनस है और ये प्लस है, उसके लिए प्लस ही होगा, माइनस 4x स्क्वायर, 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो सेम आती, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये माइनस हो गया और ये किस में हो गया, कैंसिल हो गया, या कितना आएगा, वेरी गुड, तुम इसकी से ओनली क्या लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब बताए दिया आ गया अपना कितना प्लस 4x स्क्वायर, अब क्या होता है मैं प्लस x से उतार लू x माइनस 1 कितना चाहिए पावर, देते इसमें मल्टीप्लाई करो 1 से, ये तो भी x स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस 1 इंटू एक्स एक्स होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल, कितना आएगा यहां पे एक्स टू एक्स, अरे समझ में धीरे धीरे जैसे बड़े पहले टू टू एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास है एक्स माइनस वन, क्यों x की पावर 1 चाहिए, ऑलरेडी x की पावर 1 तो है, इसके आगे मुझे क्या चाहिए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस सॉरी माइनस 2, तो 2 को किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे आएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी, तो यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना है, ठीक है, क्वेश्चन बोलो, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, किससे डिवाइड होगा, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, हमें क्या चाहिए यहां पर, 3 किससे मल्टीप्लाई करें, x की पावर
ये आगे और क्या चाहिए अपने को, ये सब रिप्लाई करेंगे ठीक है। तो ये जाएगा 3x³ + 6x² ये आएगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया आपका 3x² 3x³ + 6x² ठीक है। 6x² आएगा, इस साइड आएगा, आएगा नहीं जल्दी नीचे कैसे आएगा, प्लस है ना दोनों होगा, अभी तक अपन ने नीचे का लिखा, अपन ऐसे तो लिखा नीचे क्यों लिखा, ये माइनस कैंसिल, या कितना बचेगा और क्या चाहिए साथ में, तो फिर से मल्टीप्लाई करो, यहां आगे माइनस लगू प्लस लगू, ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से मल्टीप्लाई करो, हमने ये हो जाएगा -3x² एंड -6 ठीक है। ये तो गया प्लस और ये भी हो जाएगा, जो माइनस और प्लस हो जाएगा जो मैंने कैंसिल कर लिया, ये कितना हो गया ठीक है x+2 कितने से बढ़ेगा, नहीं x+ बना जाएगा बोलो और पॉलीनोमियल जो है वो अपन अभी लिख रहे हैं x-3x² + kx-n एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, (5³ − 3)² + kx-10 125 - 70 + kx - 50 + 5k - 10 ये आ जाएगा 40 + 5k = 0 तो 5k बन जाएगा -40 तो k = आ जाएगा 40/5 दैट इज 7x+ ठीक है। फैक्टराइज करना है इसका, सबसे पहले आएगा a इंटू ये 3 × 2 कितना आया। अब इसके हम ऐसे दो ब्रेक करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए बताओ, ये
टेन हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने से सिक्स आए, और ए जो है इसके मुझे कितना है हाँ सिक्स प्लस वन हो रहा है, ये चेंज कर दो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा सिक्स और वन और एक्स प्लस इनवर्स सेवन जी रहा। अब इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा जो इस कौन सा लगा ठीक है थ्री एक्स स्क्वायर ये भी प्लस है और सिक्स के आगे भी कौन सा साइन है तो प्लस प्लस सिक्स इंटू एक्स ये भी प्लस है ये भी प्लस है प्लस प्लस वन इंटू एक्स प्लस इसी का क्या है अलग फैक्टराइज का मतलब ही क्या है उसको स्प्लिट करो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गए भाई इसी को स्प्लिट करके किया ना अब इसका और इसका ग्रुप बनाना है कॉमन जो आ रहा है इसको दोनों में थ्री कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है यहां तो थ्री से थ्री हट गया एक्स स्क्वायर से एक्स चलेगा कितना बचा प्लस एक्स से ये भी एक्स गया सिक्स डिवाइड बाय थ्री कितना बचा ऐसे में यहां से मैंने कॉमन लिया वन क्योंकि यहां अगर एक्स प्लस टू है तो मुझे यहां पर भी कितना चाहिए अगर एक्स को मैं वन से डिवाइड करूंगा तो भी कितना आएगा और टू को अगर मैं वन से डिवाइड करूंगा तो भी कितना आएगा दोनों से तो एक फैक्टर तो मेरा आया 3x प्लस 1 और दूसरा आया x प्लस डाउट